हेलो एवरीवन, कल हम बीएससी सेक्शन में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में, हमने कल क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी जो स्पीशीज होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी शेप क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या होती है। इसमें हमने कल टेलोसेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, अगर हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स हैं, उसमें इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली उसको हम बोलते हैं पेलिकल्स। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है वो कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा जो होता है वो एक दूसरे से कॉइल्ड रहता है, मतलब एक दूसरे से अटैच रहता है, लिपटा हुआ रहता है। इसी पर क्रोमोबियर या जीन प्रिंटेड होते हैं। जो क्रोमोनिमेटा आप इसमें देख पा रहे हैं इसी के अंदर इसमें जीन प्रिंटेड है। यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर, यानी जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेशन होती है तो जहाँ पर सेंट्रोमियर प्रिंटेड होता है वहीं पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बनता है, और यही पार्ट कहलाता है इसका जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है स्फेरोला। इसके बाद इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनता है, और लास्ट में जो बॉडी बनती है सैटेलाइट बॉडी, इसको कि जिसका अंतिम चरण जो होता है वो टीलोमियर कहलाता है। ये सैटेलाइट बॉडी का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो कहलाता है टीलोमियर। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होती है उनको सेट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये कैसा है, सब मेटासेंट्रिक टाइप में है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की रचना जटिल होती है। एक टिपिकल क्रोमोसोम्स में निम्न पार्ट पाए जाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें टिपिकली निम्न पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, नंबर वन पेलिकल। प्रत्येक क्रोमोसोम एक पतले आवरण से घिरा रहता है, यह आवरण एक क्रोमेटिन पदार्थ से बना होता है, इसे पेलिकल कहते हैं। यह कला मैट्रिक्स को बाहर आने से रोकती है, यानी जो पेलिकल होती है उसको कि मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पेलिकल क्या करती है क्रोमोसोम्स में, यानी क्रोमोसोम्स बॉडी होती है
उससे उसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, क्रोमोनेमेटा होते हैं, उनको बाहर आने से रोकती है, उनको बाहर आने से मतलब उसको बाहर नहीं आने देती। नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स। क्रोमोसोम्स के क्रोमेरियन धागे एक नॉन जेनेटिक या एक्रोमेटिक मैट्रिक्स में डूबे रहते हैं। यह मैट्रिक्स क्रोमोसोम्स के महीन धागों को यथास्थान बंधे रहने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो धागे पाए जाते हैं इसमें, इसको कि क्रोमोनेमेटा बोलते हैं, वो मैट्रिक्स के द्वारा बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्रोमोनेमेटा। या क्रोमेटिड्स। प्रत्येक क्रोमोसोम्स दो स्पाइरली कॉइल्ड पतले तंतु के समान धागे पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमोनेमल फाइबर कहते हैं। दोनों क्रोमोनेमेटा एक दूसरे से इतनी मजबूती से कॉइल्ड रहते हैं जो देखने में 18 एंगस्ट्रम मोटी सिंगल थ्रेड के रूप में प्रतीत होते हैं। मतलब जो क्रोमोनेमेटा होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, एक दूसरे से इस तरह से कॉइल्ड रहते हैं कि वो एक थ्रेड के समान दिखते हैं, धागे के समान दिखते हैं। जो धागा होता है, थ्रेड होता है, उसकी तरह वो दिखते हैं। और इसका साइज कितना होता है? 18 एंगस्ट्रम, यानी जो 18 एंगस्ट्रम है, इतने मोटे धागे के समान दिखते हैं। प्रत्येक क्रोमोनेमेटा 8 माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है। यानी जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं क्रोमोनेमेटा, उससे बना होता है। अतः प्रत्येक माइक्रोफाइब्रिल 100 एंगस्ट्रम मोटे डबल हेलिकल डीएनए का बना होता है। क्रोमोनेमेटा के दोनों क्रोमोनेमल फाइबर एक दूसरे से पैरानेमिक या प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग द्वारा कॉइल्ड रहते हैं। यानी जो इनकी जो कॉइलिंग होगी वो ये तो पैरानेमिक होगी या प्लेक्टोनेमिक होगी। इस कॉइलिंग की दर 8 सूत्री तथा समसूत्री विभाजन के समय भिन्न भिन्न होती है और यह गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोमियर। क्रोमोनेमेटा पर बहुत अधिक संख्या में निश्चित दूरी पर डार्क तथा हल्के बैंड्स दिखाई पड़ते हैं। इसमें डार्कली एक्सटेंड रीजन को क्रोमोमियर कहते हैं। जीन्स यानी आनुवंशिक इकाइयां क्रोमोसोम्स के क्रोमोमियर क्रोमोमियर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में क्रोमोमियर का स्थान तथा उनकी संख्या निश्चित होती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोमोमियर कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन वाले भाग हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर। यानी प्रत्येक क्रोमोसोम्स के कंप्लीट लंबाई के मध्य भाग या मध्य भाग से कुछ हटकर अल्परंजित क्षेत्र के रूप में एक कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, जिसको सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या काइनेटोकोर कहते हैं। या तो हम इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे या काइनेटोकोर बोलेंगे या सेंट्रोमियर कहेंगे। सेंट्रोमियर के अंदर उपस्थित एक स्मॉल ग्रेन्यूल लाइक संरचना को स्फेरुला कहते हैं। यानी जो सेंट्रोमियर है उसके मध्य में एक ग्रेन्यूल्स के समान रचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? स्फेरुला कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कुछ क्रोमोसोम्स में
प्राथमिक कोशिकाओं के अलावा क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स या एक आर्म्स पर सेकेंडरी कोशिकाएं पाया जाता है। क्रोमोसोम्स में इसकी पोजीशन निश्चित नहीं होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेकेंडरी कोशिकाएं पाया जाता है उनका संबंध न्यूक्लियस के निर्माण से संबंध रखता है, इसलिए इस भाग को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। यानी जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये ऐसा माना जाता है कि इसी से ही न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसलिए क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उस पार्ट को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर माना जाता है। नेक्स्ट सैटेलाइट। क्रोमोसोम्स के सेकेंड कंस्ट्रक्शन के आगे के अप का भाग सैटेलाइट कहलाता है। यह गोल या लंबा भाग होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है सेट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। टीलोमियर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक क्रोमोसोम्स के एंड सिरे पर एक विशिष्ट प्रकार का की पोलैरिटी होती है। इसी के कारण प्रत्येक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। टीलोमियर युक्त क्रोमोसोम्स में आपसी फ्यूजन नहीं होता है। यानी ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है और उनका जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर कि टीलोमियर्स होते हैं, तो टीलोमियर का क्या काम होता है क्रोमोसोम्स में? जब दो क्रोमोसोम्स हैं या दो से अधिक क्रोमोसोम्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाते, तो उनको अलग करने का काम होता है टीलोमियर्स का। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।